आप घर से निकले घर में कोई बात चल रही है निकलने से पहले कोई बात हो गई अब आप फिजिकली काम पर स्विच हो चुके हैं घर से लेकिन वो आए तो इधर और उधर दोनों जगह जा सकता है ये तो फिजिकल नहीं है तो ये काम पे होते हुए भी घर जा सकता है ये घर पे होते हुए भी काम पे जा सकता है तो ये एक टाइम पे ज़्यादा चीज़ें कर रहा है तो इसको जहाँ होना चाहिए और वहाँ होकर जैसा सोचना चाहिए ये जब नहीं करता है एक बात है किसी ने कह दिया मुझे एक थॉट में उस बात को फिनिश करना चाहिए कह दिया कह दिया छोड़ो खोड़ क्या फ़र्क पड़ता है लेकिन मैंने दस बार सोचा कहा कैसे क्यों कहा इतनी मेहनत करो तो भी ऐसा बोलते सोचते गए उस उस बात के ऊपर एक्चुअली कितनी थॉट्स देनी थी एक हम कितनी दे देते हैं तो जो काम एक थॉट में फिनिश होना चाहिए था वो काम लंबा चल रहा है फिर एक घंटा बाद काम कर रहे हैं दूसरा लेकिन बैकग्राउंड में वो वाली टॉपिक चल रही है ऐसे नहीं कि हम बैठ के सोच रहे हैं नहीं हम स्विच हो गए हम अपने नेक्स्ट काम पे चले गए लेकिन बैकग्राउंड में वो वाली बात चल रही है तो वो आएगी एफिशिएंसी हो जाएगी ना हमें लगेगा कि हम काम कर रहे हैं हम काम कर भी रहे हैं लेकिन हम अपनी हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी पर वो काम नहीं कर रहे क्योंकि अंदर हम साथ साथ कुछ और सोच रहे हैं कुछ और सोच रहे हैं तो अगर हम कुछ कर रहे हैं लेकिन वहाँ यहाँ की हंड्रेड परसेंट उस पर नहीं जा रही और बैकग्राउंड में जो थॉट चल रही है उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है तो प्रेजेंट सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने की थॉट की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी है लो हो जाएगी वो नहीं है क्योंकि एनर्जी पीछे ही अच्छी नहीं चल रही तो प्रेजेंट सिचुएशन अब किसी ने मुझे कुछ कहा मेरे माइंड पे चल रहा है अब सामने कोई बात आ गई जिसमें मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए बेस्ट एनर्जी से लेकिन मेरे बैकग्राउंड में एक नेगेटिव गाना चल रहा है तो अब एक राइट थॉट क्रिएट करने के चांसेस थोड़े से घट जाते हैं फिर एक सिचुएशन का इफेक्ट नेक्स्ट पर और उसका इफेक्ट नेक्स्ट पर चलता जाता है क्योंकि वो यहाँ चल रहा है तो एक सीन की एनर्जी नेक्स्ट सीन में गई नेक्स्ट सीन की एनर्जी नेक्स्ट में गई कितने दिन से चल रहा है ऐसा तो अगर हम अपने आप से ही साक्षी होकर देखे अपने आप से ही साक्षी होकर देखो कि हम किस मनोस्थिति में जीवन के इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं काम बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं लेकिन मनोस्थिति सही नहीं है क्योंकि माइंड को वो पावर नहीं दी और वो प्रैक्टिस नहीं करवाई कि इस बात में क्या सोचना है और कितनी देर में खत्म करना है उस बात को हम जो डूइंग है कि ये काम कितनी देर में करना है वो फिक्स कर लेते हैं ये काम को आधा घंटा ये काम के बारे में सोचना कितनी देर है वो फिक्स नहीं करते तो लैक ऑफ टाइम नहीं है कोई भी चीज ये लैक ऑफ राइट एनर्जी है ये लैक ऑफ एनर्जी है जितना मन जितना मन इमोशनली वीक होगा वो ही काम को करने में टाइम ज़्यादा लगेगा और वीक है या पावरफुल है उसका कैसे पता चलेगा कि मेरा माइंड वीक है या पावरफुल है वो कैसे पता चलेगा मेरा प्रभाव सिचुएशंस पर आता है या सिचुएशंस का प्रभाव मेरे पर आता है क्या सच है मेरा प्रभाव सिचुएशन पर आता है या सिचुएशन का प्रभाव मेरे पर आता है मेरा इन्फ्लुएंस लोगों पर आता है या लोगों का इन्फ्लुएंस मेरे पर आता है कौन सा सच है कौन सा सच है चलो सिचुएशन देखते हैं पहले बात आई परिस्थिति है मेरे मन की स्थिति मेरी चॉइस है या सिचुएशन पर डिपेंडेंट है तो मेंटल इमोशनल पावर पे ये डिपेंड करेगा कि आप चॉइस कौन सी करेंगे लेकिन सिचुएशन है सामने सिचुएशन में मुझे कैसा फील करना है वो मेरी चॉइस है या सिचुएशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है अच्छा ऐसा करते हैं एक मिनट आँख बंद करो और लास्ट सीन ले आओ इस वीक में कोई भी सीन हुआ हो जब माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ कोई बात ऐसी आई कोई सिचुएशन में हम थे थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ एक सिचुएशन थी परिस्थिति एक मेरे मन की स्थिति थी अब चेक करना है सिचुएशन जैसी थी उसकी वजह से मेरे मन की स्थिति बनी या मेरे मन की स्थिति इंडिपेंडेंट ऑफ सिचुएशन है कि सिचुएशन कैसी भी हो मेरे मन की स्थिति मेरी चॉइस है और क्या यह पॉसिबल है कि उसी सिचुएशन में मेरे मन की स्थिति काम एंड स्टेबल रहे शांत डिस्टर्ब नहीं वही सिचुएशन के अंदर वही सिचुएशन जो देखिए अच्छा एक मुश्किल है दूसरा पॉसिबल है कम से कम पॉसिबल है वो ही बहुत बड़ी बात है मुश्किल इजी तो फिर भी हो सकता है पॉसिबल ही ना हो तो फिर तो ट्राई ही क्यों करें तो पहले तो ये क्लियर होना है किसका इन्फ्लुएंस किस पे पड़ रहा है ये सिचुएशन है ये मेरे मन की स्थिति है ज़्यादा पावरफुल कौन है होनी चाहिए नहीं वैसे ही कौन है ज्यादा पावरफुल सिचुएशन या मेरे मन की स्थिति मन की स्थिति अभी हम अगर ध्यान नहीं रखें इस बात पर तो हम कहेंगे सिचुएशन ऐसी थी तो मैं डिस्टर्ब हो गया ये लाइन हम बहुत टाइम से बोलकर आए हैं सिचुएशन अच्छी थी तो मैं खुश जितनी बार इस लाइन को बोलेंगे हम यहां पे कौन सी प्रोग्रामिंग पक्की कर रहे हैं this is being controlled by this. ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ट्रैफिक था तो इरिटेट तो होना ही था बात उन्होंने ऐसी की तो बुरा तो लगना ही था काम उनको दिया था उन्होंने पूरा नहीं किया गुस्सा तो आना ही था बच्चा फेल हुआ उदास तो होना ही था एक, एक लाइन ज री एनफोर्सिंग अ प्रोग्रामिंग क्या प्रोग्रामिंग बोल रही है ये कि यहां जो चलता है हाउ आई थिंक हाउ आई फील हाउ आई स्पीक हाउ आई बिहेव विच मीन्स मैं द आय ये आई किस पे डिपेंडेंट हो गया सिचुएशंस पे और कितने दिन से अब तो इतना डिपेंडेंट हो गया कि हमने कहा ये तो नेचुरल है ऑब्वियसली ना जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही तो मेरा मूड होगा तो हमने तो कह दिया ये इक्वेशन ही राइट right है अब सिचुएशंस परिस्थिति मेरी चॉइस की सिचुएशंस परिस्थितियां मेरी चॉइस की होती नहीं होती नहीं सोचते हैं हम कुछ होगा सिचुएशन सडनली कुछ और हो जाती है सामने वाला हम सोचते हैं ऐसे बात करेगा वो एकदम से कुछ और तरह से बात करता है बाहर भी क्या जाना घर के लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर बिहेवियर वो सडनली कोई और तरह से बिहेव करते हैं तो सारा दिन में कितनी सिचुएशंस हैं सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन जस्ट साक्षी होकर देखो हमने क्या प्रोग्रामिंग कर दी है सारा दिन में सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन एक सिचुएशन है और हमने कह दिया मेरे मन की स्थिति इस पे डिपेंडेंट है अब सीन हर थोड़ी देर के बाद चेंज हो रहा है तो कभी अच्छा कभी नहीं कभी बिल्कुल अच्छा नहीं कभी बहुत अच्छा फ्लक्चुएशन और हमने कहा मेरा माइंड डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन तो फिर मेरा माइंड अभी सारा दिन क्या होगा अब जब मुझे ये लग गया कि मेरा माइंड डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन बट मुझे खुश रहना है तो मैंने सोचा सिचुएशंस मेरी लाइफ की हमेशा कैसी होनी चाहिए परफेक्ट होनी चाहिए क्योंकि सिचुएशन परफेक्ट होगी देन आई विल बी परफेक्ट तो आई का सिंपल फॉर्मूलर बना दिया आई इज डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन और जीवन बीत रही है अब सिचुएशन सडनली ज़्यादा बदलती गई जिस समय तक सिचुएशन मोर और लेस ठीक ठाक चलती थी और आय को सिचुएशन पे डिपेंडेंट कर दिया था तो आय भी मोर और लेस ठीक ठाक चल रहा था पढ़ लिए डिग्री ले ली नौकरी मिल गई लोग कहते थे चलो अभी सेफ जब तक रिटायर नहीं होते तब तक सेफ तो माइंड भी सेफ था क्योंकि जॉब सेफ थी तो माइंड भी सेफ था आज तो नहीं पता है आज तो नहीं पता है अब जॉब नहीं जाएगी लेकिन माइंड को यह पता है कि कभी भी जा सकती है तो माइंड की डिपेंडेंसी एक ऐसी चीज पर आ गई जो एट रिस्क पड़ी हुई है कि कभी भी जा सकती है तो माइंड के अंदर फियर और इनसेक्योरिटी कांस्टेंट होने लग गई अब जॉब नहीं जा रही लेकिन फियर और इनसेक्योरिटी है क्योंकि यहां पे इंफॉर्मेशन कौन सी आ गई कभी भी कुछ भी हो सकता है कभी भी कुछ भी हो सकता है गया वो समय के साठ सत्तर के बाद कोई ब्लड प्रेशर होता है कोई किसी को है अभी गया अभी हम कहते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है गया वो समय की शादी की अभी एंड तक इकट्ठे रहेंगे गया वो समय कभी भी कुछ भी हो सकता है सो so, जब सिचुएशंस नॉर्मल नॉर्मल चल रही थी तो माइंड सिचुएशन पर डिपेंडेंट होता तो फिर भी नॉर्मल चलता लेकिन सिचुएशन जब इतनी वेरिएबल हो गई और वेरिएबल पे माइंड को डिपेंडेंट कर दिया तो माइंड कितना वेरिएबल होने लगा तो फिर वो मन की शक्ति कभी ऐसे जाती है, कभी ऐसे फिर ऐसे जाते ऐसे ऐसे जाते है, है ऐसे तो वो मन की शक्ति क्या होने लगी घटने लगी और सिचुएशन जितनी मुश्किल होने लगी और मन उस पर डिपेंडेंट था तो मन की शक्ति और घटने लगी अब इस इक्वेशन को ही चेक कर लेते हैं उन्होंने ऐसा किया तो मैं परेशान काम नहीं पूरा हुआ तो मुझे गुस्सा आया ट्रैफिक इतना था तो मैं इरिटेट हुआ बच्चा बीमार है तो चिंता तो होनी है ये वन वे ऑफ लिविंग है दूसरी वे ऑफ लिविंग है ट्रैफिक इतना था मैं स्टेबल बच्चा बीमार स्टेबल उन्होंने काम नहीं किया मैंने राय दी लेकिन मैं स्टेबल किसी ने कुछ कहा अच्छा नहीं था उनकी नेचर मैं स्टेबल हो सकता है ऐसा बात पॉसिबल नहीं है बात यह है कि सच क्या है सच क्या है यह सिचुएशन है मेरे जीवन की तो ये भी सिचुएशन हो सकती है हमें इस फ्लावर पॉट के बारे में दस थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं अभी बैठ के हम कर सकते हैं नहीं कर सकते तो ये हमारे जीवन की सिचुएशन है सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा होने की जरूरत होती है कोई ये भी सिचुएशन है इसके बारे में सोचना शुरू कर दो इसके बारे में हम जो सोचेंगे और जो फील करेंगे वो किस पे डिपेंडेंट है अब सेम सिचुएशन ये अगर हम सबको इसके बारे में फाइव थॉट्स क्रिएट करने हो तो ये तो एक ही है विच मींस परिस्थिति सेम क्या सब लोग सेम फाइव थॉट्स क्रिएट करेंगे थिंक अबाउट इट सिचुएशन इज इक्वल टू थॉट्स सिचुएशन सेम तो सबकी थॉट्स भी सबकी थॉट्स भी ये जीवन की बात है ये जीवन की समस्या है जो सामने आई है सबके सामने सेम आई है सब लोग सेम ट्रैफिक में अटकते हैं सौ लोगों का सेम बॉस है जो सेम गलती के लिए सेम तरह से सबको डांटते हैं सबके बच्चे कभी ना कभी बीमार होते हैं सबके बच्चों की बारहवीं क्लास होती है तो बहुत सारी सिचुएशंस तो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम आती हैं, लेकिन सबके रिस्पॉन्सेस सोच कोई उसी सिचुएशन में बहुत हाइपर कोई थोड़ा हाइपर कोई हाइपर कोई काम कोई बहुत पीसफुल सिचुएशन तो नहीं बदली तो अगर सिचुएशन पर माइंड डिपेंडेंट सच है तो फिर उसी सिचुएशन में सबका माइंड कैसा होना चाहिए एक जैसा तो आज इस रिट्रीट सेंटर में पहले इस इक्वेशन को तो ये एक इक्वेशन ही कारण है जीवन की सारी मुश्किलों का क्योंकि हमने कहा जैसी बात और शक्ति को घटाते गए